हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है। सिक्योरिटी अटैक्स के बारे में बात कर रहे थे, इससे पिछले वाले वीडियो में पैसिव अटैक्स क्या होता है वो हमने समझा। अभी इस वीडियो में भैया एक्टिव अटैक्स क्या होता है वो भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी थोड़ा बहुत बता दिया था कि भैया एक्टिव अटैक क्या होता है। तो जब दो मेरे एंटिटीज हैं, जो दो एंड्स हैं, उनके बीच में जब कम्युनिकेशन चल रहा है, उनके बीच में जब डेटा ट्रांसफर चल रहा है, तो एक्टिव अटैक में क्या होता है, ये जो थर्ड पर्सन है वो सिर्फ इन दोनों की कम्युनिकेशन या फिर डेटा ट्रांसफर को ऑब्जर्व ही नहीं करता, वो उल्टा उसमें एक्टिव पार्टिसिपेट करता है। एक्टिव पार्टिसिपेट करना मतलब क्या, वो जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है ये थर्ड पर्सन उसको अल्टर करने की कोशिश करता है, उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करता है, उस पर्टिकुलर डेटा ट्रांसमिशन में नॉइज इंड्यूस करने की कोशिश करता है, एरर बिट्स को इंड्यूस करने की कोशिश करता है। ये जब होता है उसे बोलते हैं भैया एक्टिव अटैक। मतलब सिंपली द डेटा दैट इज टू बी ट्रांसमिटेड दैट इज गेटिंग मॉडिफाइड by a third person or a third client is called as a active attack। बराबर, अभी उसमें भी बहुत सारे आपके यहाँ पे types हैं। जो पहला वाला है वो masquerade है, relay है, denial of service है। अभी सबसे पहले हम लोग masquerade को समझ लेते हैं। masquerade मतलब क्या होता है, attack में क्या होता है। तो होता क्या है, basically A जो है वो B को कुछ data send कर रहा है, A जो है वो B को कुछ ना कुछ data send कर रहा है। तो ये हो गया sender, ये हो गया receiver। बराबर, अब ये send कैसे कर रहा है, ये कहीं ना कहीं अपने अकाउंट में कहीं ना कहीं लॉगिन है, वो अकाउंट यूज करके वो इस बी को कुछ ना कुछ सेंड कर रहा है। तो अकाउंट है तो ऑब्वियसली यूजर नेम और पासवर्ड भी होगा, तो वो यूजर नेम और पासवर्ड यूज करके ये जो पर्टिकुलर ए है, जिसे हम ऑथेंटिक यूजर कह सकते हैं, ऑथेंटिक यानी वैलिड यूजर है ये, वैलिड यूजर है। बराबर, क्योंकि इसके पास अपना खुद का उस अकाउंट का यूजर नेम और पासवर्ड है। बराबर, उसके थ्रू वो बी को मैसेजेस सेंड कर रहा है। लेकिन होता क्या है मास्क्यूरेंट में, कि ये जो ए है उसका यूजर नेम और पासवर्ड सी ढाप लेता है। मतलब किसी ना किसी तरीके से ए का यूजर नेम एंड पासवर्ड इस थर्ड पर्सन सी के पास चला जाता है। बराबर, अभी सी को पता है ए का यूजर नेम और पासवर्ड क्या है, वो लॉगिन कर लेता है तुरंत। लॉगिन करने के बाद मतलब किसके नाम पे लॉगिन किया, ए के नाम पे लॉगिन किया, और ए के नाम पे कुछ भी मैसेजेस भेज रहा है बी को जो उसके मन में आए। बराबर, और बी को लग रहा है कि वो ए मैसेजेस भेज रहा है, लेकिन एक्चुअल में ए तो मैसेज भेज ही नहीं रहा, ए के नाम पे सी जो है दैट इज थर्ड पर्सन वो बी को मैसेज भेजे जा रहा है। अभी फंडा समझ में आया कि हो क्या रहा है। बराबर, तो इसका यूजर नेम एंड पासवर्ड इसने ढापा, इसने चोरी किया, इस चोटे ने क्या किया, उसका यूजर नेम और पासवर्ड लेने के बाद उसमें लॉग इन कर लिया, और लॉग इन करने के बाद फिर उसने मैसेजेस भेजना शुरू किया, जो भी उसके मन में आया मैसेजेस बी को भेजा। इसका और सीवियर केसेस ये हो सकते हैं कि ऑब्वियसली उस अकाउंट के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें हो सकती है। मतलब उस अकाउंट के साथ जुड़ी हुई जो चीज हो सकती है, जैसे कि सर्विसेज होंगी जिसपे सिर्फ और सिर्फ ए का अधिकार है, क्यों, बिकॉज वो अकाउंट ए का है। बराबर, कुछ सर्विसेज हो सकती है, कुछ रिसोर्सेज हो सकता है, कुछ डेटा हो सकता है, वो डेटा बहुत ही ज्यादा यू नो कॉन्फिडेंशियल हो सकता है, जो कि ए के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। बराबर, तो उस अकाउंट से जुड़ी हुई कुछ रिसोर्सेज, कुछ सर्विसेज, कुछ डेटा जो कि ए को ही, मतलब ए ही उसका अधिकारी है, ए को ही वो बिलोंग करता है, लेकिन अभी वो सारी की सारी चीजें सी भी एक्सेस कर सकता है। मतलब ए का कॉन्फिडेंशियल डेटा भी अभी सी एक्सेस कर सकता है, उसका जो सर्विसेज है, उसके जो रिसोर्सेज है, वो सारे के सारे वो अभी एक्सेस कर सकता है, बिकॉज उसका अकाउंट का लॉगिन अभी सी के पास है, सी ने लॉगिन करके रखा है। तो उसमें क्या क्या हो सकता है, जो भी कॉन्फिडेंशियल डेटा है ए का, उसको वो मॉडिफाई कर सकता है, सी रीड राइट कर सकता है, उसके अंदर थोड़े से डेटा को डिलीट कर सकता है, थोड़े डेटा को अपने मतलब के लिए यूज कर सकता है, रिसोर्सेस के साथ भी वैसे ही कर सकता है, जो रिसोर्सेज ए के लिए बनी हुई है वो खुद के लिए उन रिसोर्सेज को यूज कर सकता है। रिसोर्सेज यानी कौन सी, हार्डवेयर रिसोर्स, सॉफ्टवेयर रिसोर्स, मेमोरी रिसोर्स, वो सारी रिसोर्सेज सी यूज कर सकता है जो कि एक्चुअली ए के लिए बनी हुई थी। ओके, ए ने कुछ कॉस्ट पे किया होगा, ए ने अकाउंट क्रिएट किया था, इसके बाद उसको वो सर्विसेज एंड रिसोर्सेज मिली थी, लेकिन अभी ये बंदा उसको फ्री में यूज कर रहा है। बराबर, तो ऐसी चीजें हो सकती है जब मास्क्यूरेंट अटैक होते हैं। ये वन ऑफ द सीवियर आपका एक्टिव अटैक है, सीवियर एक्टिव अटैक माना जाता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है रिले के ऊपर। भाई अभी रिले क्या होता है, रिले इज अ वेरी इजी थिंग। रिले को हम लोग सिंपली मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेज भी कहते हैं। ओके, क्या होता है उसमें, ए इज सेंडिंग समथिंग टू बी। बराबर, ए इज सेंडिंग समथिंग, कुछ ना कुछ तो मैसेज भेज रहा होगा ना ए बी को, कुछ डेटा भेज रहा होगा। तो होता क्या है, ए से बी के मैसेज जा रहा है, डेटा जा रहा है, लेकिन तुरंत उसको सी उठा लेता है। क्या होता है, मैसेज जा रहा है, सी उठा लेता है उसको।
बराबर क्या होता है, सी उस मैसेज को उठा लेता है और उस मैसेज को क्या करता है, रीड करता है और उसमें राइट भी करता है, उस मैसेज को मॉडिफाई भी करता है, उस मैसेज को अल्टर भी करता है, उस मैसेज में नॉइज इंड्यूस करता है, उस मैसेज में एरर बिट्स इंड्यूस करता है। ये एरर बिट्स क्या होते हैं, जो बिट्स ओरिजिनल मैसेज को बिलोंग नहीं करते उन्हें आप एरर बिट्स कहते हो, और एरर बिट्स अगर आपने इंड्यूस कर दिए यानी कि अभी वो मैसेज ओरिजिनल नहीं रहा है, वो मैसेज करप्ट हो चुका है, वो डेटा करप्ट हो चुका है, और फिर ये सी क्या करता है, करप्टेड डेटा बी को भेज देता है, करप्टेड डेटा बी को भेज देता है। इस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है, बराबर। इसे बोलते हैं रिले अटैक। मतलब हुआ क्या, मैसेज जा रहा था, यहाँ पे ओरिजिनल मैसेज था, ओरिजिनल मैसेज इसने करप्ट कर दिया और करप्टेड मैसेज अभी बी के पास है, बराबर। मतलब अभी इसके पास ओरिजिनल मैसेज नहीं है, करप्टेड मैसेज है। तो यहाँ पे अगर आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, डेटा इंटीग्रिटी, मैसेज इंटीग्रिटी या फिर इन अ होल जो आपके सिक्योरिटी के गोल्स में इंटीग्रिटी था, जो पहला वीडियो था जिसमें कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी की बात की थी, तो कॉन्फिडेंशियलिटी की तो बैंड कहां बच गई थी, पैसिव अटैक्स में बैंड बच गई थी, यहां पे भी कॉन्फिडेंशियलिटी की बैंड बजी हुई है, लेकिन वन मोर टू बी गेटिंग एडेड, इंटीग्रिटी की भी यहां पे बैंड बजी। क्यों, इंटीग्रिटी क्या कहता है कि अगर आप कोई डेटा या मैसेज फ्रॉम ए भेज रहे हो तो वो ओरिजिनल मैसेज है, और वैसा का वैसा ओरिजिनल मैसेज बी तक पहुंचना चाहिए विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, उसे बोलते हैं भैया इंटीग्रिटी इंटैक्ट है, इंटीग्रिटी 100% है, लेकिन यहां पे ये मैसेज करप्ट होके पहुंचाए, इसीलिए यहां पे इंटीग्रिटी की बैंड बज गई है, बिकॉज मैसेज ओरिजिनल मैसेज यहां से निकला, यहां करप्ट हुआ और यहां करप्टेड मैसेज पहुंचा, तो उसे बोलते हैं इंटीग्रिटी की बैंड बच गई। एक और चीज थी अवेलेबिलिटी, तो अवेलेबिलिटी की बैंड कहां बचती है, यहां बचती है, दैट इज अ डेनियल ऑफ सर्विस। डेनियल ऑफ सर्विस में आपके अवेलेबिलिटी की बैंड बचती, कैसे बचती मैं बताता हूं। यहां पे समझ लो आपका एक रिसोर्स है, बराबर, यहां पे एक रिसोर्स है और आप यहां पे इसको कनेक्टेड हो थ्रू द इंटरनेट, बराबर, थ्रू द इंटरनेट आप कनेक्टेड हो, तो एक यहां पे रिसोर्सेज है या फिर समझ लो सर्वर है, बराबर, तो ए को सर्वर को कनेक्ट करना है, ए को अपने रिसोर्सेज को कनेक्ट करना है, ए को अपने रिसोर्सेज चाहिए। अब वो किसके थ्रू कनेक्ट कर सकता है, इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कर सकता है, बराबर। अब इंटरनेट की भी अपनी कुछ कैपेसिटी होती है, बराबर, उस कैपेसिटी के ऊपर अगर रिक्वेस्ट आने लग गए, मैसेज आने लग गए, तो वो इंटरनेट आपका क्या बोलते हैं, कंजेशन हो जाता है उसमें, इट गेट कंजेस्टेड, बराबर। जैसे कि एक क्लास में जितना बच्चे बैठ सकते हैं सफिशियंट, अगर रुकने बैठे तो ठीक है, लेकिन उससे दुगना, तीन गुना, चार गुना, पांच गुना अगर बैठे तो कंजेस्टेड फील होके बैठते हैं बच्चे, बराबर, जैसे आजकल के स्कूलों के रिक्शा में बैठते हैं, एक के ऊपर एक, उसके ऊपर एक, उसके ऊपर एक, तो कंजेस्टेड होके बैठते हैं। उसी तरीके से यहां पे अगर एक से ज्यादा या फिर उसकी कैपेसिटी से ज्यादा अगर मैसेज या फिर रिक्वेस्ट आए इंटरनेट में या पैकेट्स अगर आए इस इंटरनेट में, तो वो कंजेस्टेड हो जाता है। वही यहां पे सी करता है, मतलब जो आपका थर्ड पार्टी, तो वो थर्ड पार्टी क्या चाहता है कि ए जो है अपने रिसोर्सेस को ना ले पाए, मतलब ये पर्टिकुलर रिसोर्सेज उसको अवेलेबल ना हो पाए, इसीलिए सी क्या करता है, कंटिन्यूअस मैसेजेस, कंटिन्यूअस रिक्वेस्ट, कंटिन्यूअस पैकेट्स, कंटिन्यूअस रिसोर्सेज भेजता रहता है। वो अननेसेसरी मैसेजेस होते हैं, अननेसेसरी पैकेट्स होते हैं जो कि यहाँ पे भेजे जाते हैं। क्या मोटिव होता है उनके पीछे का, सिर्फ एक मोटिव होता है कि भैया ए जो है वो यहां तक ना पहुंच सके, ए जो है अपने रिसोर्सेस को एक्सेस ना कर सके, ए को उसके रिसोर्सेस अवेलेबल ना हो सके। क्यों, बिकॉज आपका इंटरनेट स्लो पड़ जाएगा, आपका जो नेटवर्क है वो स्लो पड़ जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस मच अननेसेसरी मैसेजेस एंड द पैकेट्स बीइंग गेटिंग लोडेड अप एंड बर्स्टेड अप इनटू द नेटवर्क, तो उसके वजह से नेटवर्क स्लो पड़ जाता है, और नेटवर्क स्लो पड़ने की वजह से तुरंत इस ए को उसके रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हो पाते, इसीलिए यहाँ पे डेनियल ऑफ सर्विस में आपके अवेलेबिलिटी की पूरी तरीके से बैंड बज जाती है, बराबर। तो हुआ क्या, आप सी का सिर्फ एक ही मोटिव था कि किसी भी तरीके से आपके नेटवर्क को स्लो डाउन करना है ताकि ए को उसके रिसोर्सेज अवेलेबल ना हो सके। स्लो डाउन करने के लिए उसने नंबर ऑफ पैकेट्स, नंबर ऑफ मैसेजेस भेजना शुरू कर दिया जिनका कोई मीनिंग ही नहीं था, कुछ मीनिंग नहीं होता, सिर्फ उसी इंटेंशन से भेजे जाते हैं कि आपका नेटवर्क स्लो हो जाए, जिसे हम कहते हैं भैया डेनियल ऑफ सर्विस, डेनियल ऑफ सर्विस, यहाँ पे आपकी अवेलेबिलिटी की बैंड बज जाती है। तो ये था दोस्तों भैया एक्टिव अटैक्स, उसके टाइप्स, उसका एक्सप्लेनेशन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा, थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, एग्जाम में मैंने आपकी थोड़ी मदद कर दी होगी, तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और उससे इंपॉर्टेंट इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।